चलिए आज हम लोग रूम कूलर के बारे में जानेंगे, इसके सभी इलेक्ट्रिक भागों को देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से कार्य करता है और कंप्लीट इसकी वायरिंग भी करेंगे, इन स्विचों को बाहर निकाल करके और इसकी कंप्लीट वायरिंग भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा रूम कूलर है इसके एक एक भागों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले रूम कूलर में देखिए, यहाँ पर तीन स्विचें होती हैं जिसमें एक है पंप मोटर, एक है एयर ऑफ एयर मतलब फैन मोटर के लिए और एक स्विंग मोटर के लिए। तीन स्विचें हो जाती हैं, यानी कि पंप मोटर का मतलब वाटर पंप मोटर, मतलब जो इसमें पानी है उस पानी को इन सभी जो साइड कवर यानी कूलिंग पैड है इन कूलिंग पैड तक पहुंचाने के लिए पंप मोटर का प्रयोग किया जाता है। पंप मोटर इसके अंदर लगा हुआ है, वो हम आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद इसमें एक फैन मोटर की स्विच है, ये वाली जो फैन मोटर की स्विच है वो पंखा की चलाने के लिए, मतलब जो इसका ब्लोअर फैन है जो सामने से हवा देता है मेन, वो उसको चलाने के लिए। और इसमें एक स्विंग मोटर की स्विच है। स्विंग मोटर क्या होता है? स्विंग एक छोटा सा मोटर होता है जो कि ग्रिल को दाहिने बाएं अथवा ऊपर नीचे करने का काम करता है, मतलब ग्रिल का मतलब समझ रही है, जो सामने है इसको इधर उधर करता है जिससे हवा को दिशा देने का काम करता है। तो सबसे पहले ये साइड कवर है, साइड कवर के स्क्रूप को हम यहां पर खोल लेते हैं और साइड कवर के अंदर जो ये साइड में जाली लगी होती है इसको हम बोलते हैं साइड कवर। और इस साइड कवर के अंदर ये जो घास की गद्दी होती है इसको हम बोलते हैं कूलिंग पैड या घास की गद्दी, इसको बोलते हैं कूलिंग पैड या घास की गद्दी। इसको हम देखिए निकाल लेते हैं। निकालने का तरीका, निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार से निकालेंगे और अगर इसको हम पूरा बाहर खींच लेते हैं तो इसमें अंदर पाइप लगी होती है जो साइड कवर पे पानी को गिराती है, फ्लेक्सिबल पाइप वो लगी होती है। तो देखिए यहां पर इस प्रकार से इसमें पाइप लगी हुई है, ये वाली फ्लेक्सिबल पाइप, और पाइप को देखिए यहाँ पे टाई के द्वारा बांधा गया है ताकि ये इधर उधर ना जाए। और उसके बाद देखिए इसमें लगा हुआ है इस प्रकार से, ये इसका लॉक लगा होता है, यहाँ पर नज़दीक से दिखाइए, इस प्रकार से लॉक लगा होता है, यहाँ पर देखिए ये इस पे फंसा होता है इसमें। और ऐसे लगाने के बाद पानी जो इसमें गिरता है यहाँ साइड से सामने से तो गिरता नहीं है, दाहिने और बाएँ से गिरता है। और दाहिने और बाएँ से पानी गिरने के कारण क्या होता है, इस कूलर में ऐसे देखेंगे छोटे छोटे ये कई सारे इधर छिद्र बने हुए हैं यहाँ पूरा, तो पूरा पानी यहाँ से यहाँ तक जाता है जिसकी वजह से होते हुए इन कूलिंग पैड पर पूरी तरह से कूलिंग पैड को भिगोता है। तो इस प्रकार से ये कूलिंग पैड क्या होता है, हमारा ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद जो हवा ये खींचेगा तीनों तरफ की, जब घास की गद्दी ठंडी हो जाएगी, हवा को जब ये खींचेगा अंदर की साइड में खींचेगा और यहाँ से फेंकेगा, तो वो हवा जब इस कूलिंग पैड से टकरा के अंदर जाती है ना, ठंडी बन के निकलती है। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक भागों के बारे में इसको समझते हैं, इसके अंदर कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले बात करें, देखिए ये जो मोटर हमारा चालू कंडीशन में, देखिए इसमें सप्लाई भी है, तो यहाँ पर हम इस मोटर को देखिए चालू करके आपको दिखा दिए, ये मोटर चालू कंडीशन में, तो ये मोटर है और इसमें से तार कहाँ कहाँ से निकले हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये इसमें जो ग्रिल होता है, जो साइड कवर है, साइड कवर में घास की गद्दी लगी हुई होती है और नीचे वाटर पंप मोटर है। ये पहला मोटर वाटर पंप मोटर पानी में, देखिए पानी थोड़ा सा इसमें कम है और हो सकता है कि अभी ये पानी उठा पाएगा कि नहीं, तो अभी हम इसको चालू करके भी दिखाएंगे। ये पंप मोटर है और ये साइड, ये है डिस्ट्रीब्यूटर जो पानी को तीनों तरफ फैलाने का काम करता है, मतलब वाटर पंप मोटर से जब पानी ऊपर आता है तो वाटर डिस्ट्रीब्यूटर पानी को तीनों तरफ फैलाता है, दाहिने बाएँ और पीछे, ये तीनों तरफ, जैसे कि ये पीछे की पाइप है देखिए, और दाहिने और बाएं, ये तीनों तरफ पानी को फैलाने का काम करता है जिससे तीनों तरफ की घास की गद्दी जो होती है वो बढ़िया से भीग जाती है। और जब ब्लोअर फैन हवा खींचता है तो ठंडी हवा खींचता है, ये उसकी मेन लीड है और मेन लीड इसमें से दो ही तार है, न्यूट्रल फेज डायरेक्ट जाएगा और ये मोटर चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये मोटर काम करता है। और ये जो मेन मोटर हमारा है फैन मोटर, इसमें से भी दो ही तार निकले हुए हैं और ये एक स्पीड का है, सिंगल स्पीड का मोटर है। और इसका जो कैपेसिटर है उसके लिए इसमें दूसरी तरफ से तार निकला है, जो कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है वो 4 से 6 mFD का होता है और बढ़िया से वो काम कर पाएगा इस रूम कूलर में। तो कैपेसिटर के लिए दो तार अलग हैं और मेन लीड जो इसका न्यूट्रल फेस देना है वो इसमें अलग है। तो दो मोटर हो गए हमारे, पंप मोटर और फैन मोटर। तीसरा मोटर हमारा इसमें है स्विंग मोटर। तो देखिए ये हमारा स्विंग मोटर है, स्विंग मोटर ग्रिल को धीरे धीरे दाहिने और बाएं करता है, 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से सीधे काम करता है और इसका जो आरपीएम होता है वो मात्र 4 से 6 होता है, मतलब एक मिनट में ये जो धीरे धीरे घूम रहा है ना, एक मिनट में मात्र 4 से 6 चक्कर ये घूम सकता है। इस मोटर से भी सीधे दो तार निकलते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी वायरिंग, इसका कनेक्शन दिखा देते हैं। और देखिए आपने यहाँ पे दो तार हमारे पंप मोटर के मिल गए, दो तार हमारे फैन मोटर के मिल गए और दो तार स्विंग मोटर के मिलेंगे। इसको हम निकाल के यहाँ से बोर्ड में से पावर में से निकाल देते हैं और पावर में से निकालने के बाद इसका जो कनेक्शन, इसको हम खोल देते हैं। देखिए इसको खोलने के लिए स्क्रूप इसमें जो है अंदर साइड में लगे हुए हैं, यहां पे दिखाइए अंदर एक स्क्रूप, देखिए इसका यहां पे लगा हुआ है एक स्क्रूप और दूसरा स्क्रूप इसमें इधर लगा हुआ है अंदर, ये अंदर यहां पे लगा हुआ है। तो दो स्क्रूप हैं, दोनों स्क्रूप को हमें यहां पे खोल देना है और खोलेंगे तो इसका जो कनेक्शन है वो बाहर की साइड में निकल जाएगा। तो हम इसको खोल देते हैं, इसके अंदर हमने खोल दिया। अब इसको जीरो लेवल से बिल्कुल समझेंगे। देखिए ये जो हमारा स्विच है, स्विचों को अगर हम निकालें तो स्विच हमारी इस प्रकार से दिखाई देती है। अब देखिए ये तीनों स्विच हैं और ये सारे वायर हैं,
सबसे पहले तो आपको देखने में लग रहा है इतने सारे वायर हैं, हम इसको कैसे जोड़ें, तो इसको कैसे जोड़ें बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके जितने भी कनेक्शन हैं देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं निकाल देते हैं। सबसे पहले पूरा वायर इसमें जितना भी तार जुड़ा हुआ है सबको निकाल देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और पूरी तारों को हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो देखिए इसके अंदर जितने भी वायर हैं सभी को हमने निकाल दिया, ये जो तीनों स्विचे हैं तीनों स्विचों को हमने खाली कर दिया। अब इसके अंदर ये सारे तार निकले हुए हैं, इसको हमने सबसे पहले स्विचों को समझ लीजिए, यहाँ पर नजदीक से दिखाइए। स्विच देखिए एयर ऑफ मतलब ये फैन के लिए है, स्विंग ऑफ मतलब वाटर पंप, ये स्विंग मोटर के लिए जो ग्रिल को दाहिने बाएं करता है, पंप ऑफ मतलब वाटर पंप मोटर के लिए, और ये स्विचों में पॉइंट देखिए तार जोड़ने के लिए, साइड की जो दोनों स्विच है इसमें तार जोड़ने के लिए दो दो पॉइंट बने हुए हैं, मतलब एक से इन दूसरे से आउट करवाना है। बीच में जो है इसमें चार पॉइंट बने हुए हैं मतलब फैन मोटर के लिए, मतलब इसमें हाई मीडियम लो का भी पॉइंट हो सकता है, यानी अगर ये मोटर हाई मीडियम लो का होता तो भी यही वाली स्विच काम कर जाती। देखिए इसमें नंबर लिखा है यहां पर, देखिए 1 2 3 4 इसमें लिखा है 1 2 3 4, और ये जो चार नंबर यहां पे लिखा है यल, एक पे यल लिखा, देखिए यहां पर भी इसमें यल लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए यहां पर यल लिखा हुआ है। एक स्विच में यल का मतलब होता है लाइट, मतलब यहां पे इन करवाना, तो ये यल वाला पॉइंट है, इसमें यहां पे यल वाला पॉइंट है, इसमें यहां पे यल वाला पॉइंट है, मतलब ये फेस का इनपुट है ये तीनों पॉइंट। अब इसके बाद सबसे पहले इस मोटर में समझ लेते हैं, दो तार देखिए एक तरफ से आए हुए हैं, ये जो दोनों तार हैं ये हमारे हो गए स्विंग मोटर के, ये जो दोनों तार हैं ये स्विंग मोटर के हो गए। उसके अलावा दो लीड यहां पर है, देखिए एक लीड तो ये देखिए सबसे पहले हमारी ये मेन वाली लीड है, देखिए ये वाली मेन वाली लीड है हमारी, इस प्रकार से देखिए ये मेन लीड है, मतलब ये जो न्यूट्रल और फेस जो हम बोर्ड में लगाने वाले हैं ये वो वाली लीड हो गई। और इसके अलावा भी इसमें दो लीड है, देखिए यहां पर नजदीक से यहां पर दो लीड है, ये दो तार एक तरफ है, ये दो तार एक है, तो ये दो तार थोड़ी से कमजोर सा दिख रहे हैं और ये थोड़ा सा नॉर्मल दिख रहे हैं। ये जो कमजोर सा वायर दिख रहा है ना, ये दोनों वायर हमारे वाटर पंप मोटर का है, और ये जो थोड़ा सा मजबूत वायर है ये फैन मोटर का है। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम ऐसे करके हिला करके और पीछे की दिशा में देख लेंगे तो भी पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए हमें पता है कि ये वाटर पंप मोटर का है और ये दोनों तार फैन मोटर के हैं, ये दोनों तार स्विंग मोटर के। इस फैन में इस कूलर में टोटल तीन मोटर है, तीनों मोटरों के दो दो तार निकले मतलब छह तार निकले, और एक हमारी मेन लीड है यानी दो आठ तार निकले हुए हैं। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हम आपको बिल्कुल जीरो की बात बताएं, तो ये हमारा पंप मोटर का वायर है, इसका हम ब्लू वाला एक तार ले लेते हैं, ये हमारा फैन मोटर का है, इसमें से भी कोई भी एक तार हम इसमें ले लेते हैं, और एक तार स्विंग मोटर में से ले लेते हैं। तीन तार हमने ले लिया, तीनों का एक एक, तीनों मोटरों का एक एक तार, और ये हमारी मेन लीड, मेन लीड का जो ब्लैक वाला है यानी हम इसको न्यूट्रल मानते हैं, और ये ब्लैक वाले को हम ले लेते हैं और इसको तीनों चारों तारों को एक ही में जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, अब न्यूट्रल सभी मोटरों में, तीनों मोटरों में, किसमें किसमें, फैन मोटर, स्विंग मोटर, पंप मोटर, तीनों मोटरों में न्यूट्रल देखिए यहां पर बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसानी से तीनों मोटरों न्यूट्रल यहां पर पहुंच चुका है, एकदम न्यूट्रल पहुंच चुका। अब बात रही फेस की, फेस को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेन लीड है, यहां पर नजदीक से दिखाई, ये मेन लीड हमारी है, और इसको हम क्या करते हैं किसी भी स्विच में पहले यल वाले में जोड़ना है, ये यल लिखा हुआ है ना, यल वाले में इसको जोड़ना है, किसी भी स्विच में यल वाले में जोड़ना है, और एक ही यल में नहीं जोड़ना है, यहां हम जोड़ेंगे, उसके बाद इसको हम ये दूसरे वाले यल में जोड़ देंगे यहां पर, और उसके बाद हम इस वाले यल में भी जोड़ेंगे, यानी तीनों स्विचों में हमें फेस को डायरेक्टली पहुंचाना है। तो देखिए यहां पर हमने ये फेस का वायर है, इस स्विच के भी यल वाले पॉइंट में दिया, दूसरे में भी दिया, यहां पर भी यल, सभी स्विचों के यल वाले में दे दिया, मतलब जिसमें फेस को डायरेक्ट इन करवाना है उसमें दे दिया। अब क्या करेंगे, ये स्विंग मोटर का वायर है, जैसा कि देखिए यहां पर हमारे कोने में स्विंग मोटर था ना, तो ये स्विंग मोटर का वायर है पीला वाला, इस तार को हम क्या करेंगे स्विंग वाले स्विच में जोड़ देंगे, यानी जिस स्विच से स्विंग चलाना, देखिए ये वाली स्विच है ना, स्विंग ऑफ लिखा हुआ है, स्विंग मोटर वाले में जोड़ देना है, यानी स्विंग वाला पॉइंट जो है, स्विंग वाला वायर जो है इसमें हम जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने यहां पर स्विंग वाला वायर को जोड़ दिया है स्विंग वाली स्विच में। अब उसके बाद देखिए दूसरा ले लेते हैं, ये देखिए ये हमारे फैन मोटर का है, ये ब्लैक वाला हमारे फैन मोटर का है, तो फैन मोटर में यहां पर ध्यान देंगे तो देखिएगा एक तार लेके इस पिन को, इस पिन को, इस पिन को, तीनों को एक में शॉर्ट कर दिया गया, देखिए यहां से इस वायर को और इसमें तीनों को एक में कनेक्ट कर दिया गया। इससे यह फायदा होगा कि यह मोटर है तो एक स्पीड का, इसीलिए तार तो इसमें एक ही है, इसको तीनों में से किसी में जोड़ दीजिए, किसी में भी जोड़ दीजिए, तीनों है किसी पे भी ऑन होगा ये, यानी इसको हाई पे किया जाए, यानी पहला खटका घुमाया जाए या दूसरा घुमाया जाए या तीसरा घुमाया जाए, तीनों अवस्थाओं में ये फैन मोटर चलेगा, है तो एक ही स्पीड का लेकिन हाई लो मीडियम लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटर का स्पीड तो एक ही है, और यहां पर एक जगह ऑफ होगा बाकी सभी जगह तीनों जगह पे ये ऑन रहेगा। तो ये जो हमारा फैन मोटर का है इसको हम इन तीनों में से किसी में भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी में बस एक में जोड़ देना, इससे फेस इस फैन मोटर को मिलने लगेगा। अब देखिए फैन मोटर जोड़ने के बाद एक मोटर और बचा हमारा केवल ये वाटर पंप मोटर का, ये जो वाटर पंप मोटर का वायर बचा हुआ है यही बस बचा हुआ है, तो इसको
हम क्या करेंगे, पंप मोटर वाले में जोड़ देंगे। ये पंप मोटर की स्विच अभी हमारी खाली है, इसी में इसको जोड़ देना है। तो पंप मोटर में भी इसको हम जोड़ देते हैं। तो अब देखिए, इसको भी हमने पंप मोटर में जोड़ दिया, बस इतनी इसकी वायरिंग है। और इस प्रकार से ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए हम ऐसे इसको रहने देते हैं और एक बार इसको हम चालू करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर चालू करते हैं। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पर ये हमारी जो दोनों सॉकेट है, ये जो हमारी सॉकेट है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट हम इसमें सप्लाई लगाते हैं। और मोटर में देखिए लाइट हमारी सीधा पहुंच गई है। स्विंग मोटर हमारा चालू भी हो गया होगा, अगर चालू होगा तो इसको हम ऑफ पोजीशन पे कर देते हैं। एक एक करके हम चालू करके दिखाते हैं। सबसे पहले फैन को चालू करके दिखाते हैं, इधर से दिखाई दिखेगा। सबसे पहले फैन को देखिए, हम जैसे ऑन करेंगे तो देखिए हमारा फैन मोटर चालू हो गया। यहां से हम इसको बंद कर दिए और अभी ये बंद हो गया, तो यहां से हम इसको चालू कर सकते हैं। काफ़ी देखिए बढ़िया स्पीड में चल रहा है, और इस प्रकार से इसको हम बंद कर देते हैं। और अगर वाटर पंप मोटर की बात करें तो पंप मोटर को भी चला के देख सकते हैं। देखिए एक पाइप ये यहां से आई हुई बाहर की साइड ना, तो पानी बाहर गिरने का डर है, इसलिए हम इसको पाइप को यहां से निकाल देते हैं। अब पानी अगर खींचेगा तो वहीं से खींचेगा, पानी थोड़ी सी कम है तो कम उठा पाए हो सकता है, लेकिन हम इसको चालू करते हैं। देखिए ये स्विच है, यहां पर दिखाई ये स्विच है, स्विच को हम ऑन करते हैं। स्विच को ऑन किया, पंप मोटर चालू हो गया, लेकिन अभी देखिए पानी कम होने के कारण ये पानी नहीं पा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें पानी भर के दिखाते हैं। देखिए अब हम इसमें थोड़ी सा पानी डाल दिए हैं और पंप मोटर वाली स्विच को, ये जो हमारी पंप वाली स्विच है, इसको चालू करते हैं। देखिए जैसे ही चालू किए, देखिए थोड़ा सा पानी पा रहा है, और यहाँ पर देखिए पूरी तरह से पानी तो नहीं पा रहा है ये अभी भी, लेकिन थोड़ा पानी पा रहा है, जिसकी वजह से देखिए ये फेंक पा रहा है। तो इस तरह से हमारा वाटर पंप मोटर पानी फेंकता है। देखिए ऐसा लग रहा है व्हाइट की तरह फेंक रहा है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, प्रॉब्लम है कि पानी खराब हो चुका है, कई दिनों से पड़ा हुआ था इसमें, इसलिए उसको निकाला नहीं गया। और यहाँ से जब हम इसको वाटर डिस्ट्रीब्यूटर को लगा देंगे, तीन पाइपों से होते हुए ये तीनों तरफ की साइड कवर यानी जालियों पर गिरेगा। तो इस प्रकार से हमारा काम करता है। स्विंग मोटर देखिए अभी वहां पर बंद है इस समय, और यहां से हम स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को जैसे हमने ऑन किया, देखिए स्विंग मोटर भी हमारा चालू हो गया। ये जो स्विंग मोटर है देख पाएंगे, यहां से धीरे धीरे देखिए ऐसे घूम रहा है, धीरे धीरे करके। इसका आरपीएम बहुत कम होता है, इसका आरपीएम मात्र 4 से 6 होता है। तो इस प्रकार से काम करता है। ये हमारा रूम कूलर का सिस्टम है, इस प्रकार से कार्य करता है। इस रूम कूलर से रिलेटेड अगर आपका अभी भी कोई भी सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, हमारा दूसरा चैनल MI टेक्निकल ब्लॉग जाकर के उसको भी देखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।